हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों का जो कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो हम ऐसे पार्टीशन करते हैं कि ड्राइव सी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है और डी और ई में एकदम लाल से लाल हो जाता है, मतलब भर जाता है, स्पेस नहीं रहता। जैसे कि मेरे केस में हुआ, मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीशन किए थे 1 TB हार्ड डिस्क का, एक सी और डी। सी में 500 GB और डी में 500 GB, और मेरे जो ड्राइव डी है वो मतलब पूरा फुल हो गया, एकदम लाल हो गया, लेकिन अराउंड 400 GB मेरे डिस्क सी में खाली पड़ा हुआ था। एंड गाइस, आज के वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि आपका जो ड्राइव सी है वो आप कैसे फर्दर पार्टीशन कर सकते हैं और आप उस स्पेस में भर भर के अपना स्टडी मटेरियल डाल सकते हैं दोस्तों। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके, सो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग दिस पीसी पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्टोरेज के नीचे जो हमको दिख रहा है डिस्क मैनेजमेंट, वहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं, हमको कुछ नेक्स्ट इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे दो डिस्क हैं सी और डी, और यहाँ पे हम लोग एक थर्ड डिस्क बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी पे हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को नीचे की तरफ दिखता है श्रिंक वॉल्यूम, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा कंप्यूटर फ्रीज़ हो गया या फिर ऐसा कुछ। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का जो नेक्स्ट पेज है ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की तरफ लिखा रहेगा कि आपका कितना टोटल स्पेस खाली है और उसमें से कितना आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अराउंड 500 GB मेरा स्पेस है, टोटल स्पेस, और उसमें से मैं 300 GB अराउंड निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी है, बेसिकली ये MB में है, तो यहाँ पे मैं नीचे अराउंड 200 GB निकाल के साइड करना चाहता हूँ वो स्पेस को। तो यहाँ पे मैं 200,000 MB यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, वो होता है अराउंड 200 GB। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग श्रिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोगों को कुछ अनएलोकेटेड स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सी और डी है, यहाँ पे आपको एक थर्ड स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे 195.31 GB का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और जैसे ही राइट क्लिक करते हैं उसके बाद हम लोगों को ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके कुछ भी नहीं करना, आपको बस नेक्स्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं, मैं ई ही रख रहा हूँ यहाँ पे ये ड्राइव का। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो न्यू वॉल्यूम है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं दिस पीसी पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी डी एन ई मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड गाइस, इन केस अगर आप ये स्पेसिंग से खुश नहीं है, अगर ये पार्टीशन से खुश नहीं है और आप चाहते हैं कि इसको आप रिवर्ट करें, तो आप सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से मैनेज स्पेस पे गया, उसके बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं अभी पार्टीशन किया था वहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ रखे हैं तो वो डेटा का आप बैकअप ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, और उसके बाद ये फिर से अनएलोकेटेड हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सी में जो है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सटेंड वॉल्यूम में क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और आपका जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सी और डी वापस से बन गया है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिस पीसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे बस सी एंड डी ही है। सो गाइस, यहाँ पे आपने देखा आप कितना इजीली स्टेप्स फॉलो करके डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं या फिर उस एक्शन को आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, दैट इज इट। आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल है, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके ही अपना जो डिस्क है वो पार्टीशन कर सकते हैं फर्दर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।